जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। टुडे वी विल लर्न थर्ड चैप्टर वर्किंग ऑन विंडो 7। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमने कर लिया था, अब थर्ड चैप्टर करेंगे, ठीक है? वेकेशन के बाद आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में आ रहे हो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वेकेशन को, ठीक है, और प्रोजेक्ट वर्क भी अच्छे से किया होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 19 में से। You know that the programs that run on a computer are called software. हमने software के बारे में जाना, तो software क्या है वो हमें पता है, ठीक है? Software helps us do different things on the computer. It also controls the hardware. ठीक है, hardware से ही software है वो control होता है. Software can be of two main types: application software and system software. अब हम software के दो प्रकार को जानेंगे, उसमें सबसे पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, फर्स्ट पॉइंट, द प्रोग्राम्स दैट लेट अस टू डिफरेंट टास्क ऑन द कंप्यूटर, ड्रॉ, टाइप, डू सम्स, लिसन टू म्यूजिक एंड सो ऑन, आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ड्रॉ करना, टाइप करना, ये सब। Paint, Notepad and WordPad are examples of application software. ये सब उसी के प्रोग्राम में, ड्रॉ करना है तो पेंट में, टाइप करना है तो Notepad, WordPad में, तो ये सब है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही प्रोग्राम है। The software needed to run a computer is called system software. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम जान रहे हैं। It includes the operating system, OS. The operating system manages the hardware and the application program running on it. It helps them work together. It also manages our file and lets us use different programs at the same time. Windows, Mac OS and Linux are examples of operating system. तो ये सब operating system के ही program है, नाम है। यहाँ पे first point है the Windows 7 operating system। हम ज़्यादातर Windows 7 ही उपयोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा famous जो है, popular है, वो यही Windows 7 है। यहाँ पे आप उसका desktop भी नीचे देख सकते हो, 19 number का page है उसमें, ठीक है? तो Windows 7 is a popular operating system, ज़्यादातर यही use होता है। It uses boxes on the screen called windows which show messages, things in a folder, programs that are open and so on. In Windows 7, different tasks are grouped in menus. To do a task like opening a program, we click on a menu option. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में आइकन है, स्टार्ट बटन है, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप मतलब ये पूरी स्क्रीन जो दिखाई देती है, हम ओपन करते हैं और पूरी स्क्रीन दिखाई देती है, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। उसके अंदर आइकन, स्टार्ट बटन, टास्क बार होते हैं, फिर वहाँ से क्लिक करके हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है? वी मे ऑल्सो स्टार्ट टास्क बाय क्लिकिंग ऑन आइकन्स। यहाँ पे जो आइकन्स दिख रहे हैं, मतलब रिसाइकल बिन है, कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिखा है, पेंट है, ये सब है ना आइकन है। मतलब हम जो शॉर्टकट में यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं तो वो सब आइकन होते हैं। तो डेस्कटॉप खोलते हैं तो यहाँ शॉर्टकट में हमें वो प्रोग्राम सब मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़े से दिखाई देते हैं, आपका कंप्यूटर आप ओपन करोगे तो डेस्कटॉप में ज़्यादा प्रोग्राम भी दिखाई देंगे। तो जितने भी यहाँ पे हम सेट करते हैं उतने ही प्रोग्राम यहाँ दिखाई देते हैं, ठीक है? दिस वे ऑफ वर्किंग मेक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इजी टू यूज। द स्क्रीन वी गेट ऑन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर विथ विंडोज 7 में लुक लाइक दिस। इस तरह से दिखाई देता है, विंडोज 7 है वो, ठीक है? बाकी सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सबका दिखावा है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है? पर ये विंडोज 7 के बारे में ये हम तो ये पूरा प्रोग्राम उसी के बारे में ही समझेंगे, ठीक है? और अब नोटबुक में आपको न्यू पेज में ऊपर हेडिंग डालनी है, थर्ड वर्किंग ऑन विंडोज 7, और फिर ये डेस्कटॉप का जो पिक्चर है वो आपको ड्रॉ करना है। छोटा सा ड्रॉ करोगे तो चलेगा, ठीक है? थैंक यू।